सबसे पहले तो मैं लद्दाख के लिए ये सीट मिलना और ये प्रोवाइड करने के लिए भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं तहे दिल से लद्दाख वासियों की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहूंगी। और इसके लिए हमारे माननीय संसद जमयांग सरिंग नामग्याल जी ने भी बहुत प्रयास किया है, जिसके बदौलत ये सीट काफी मोर देन 7 इयर्स के बाद हमारे पास दोबारा वापस आया है। तो इसके लिए मैं माननीय संसद जी को भी तहे दिल से लद्दाख वासियों की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहूंगी। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक इस मकसद से बनाया गया है कि हम जो माइनॉरिटीज के साथ कोई ज्यादती ना हो, माइनॉरिटीज के इश्यूज जितने भी है वो एड्रेस करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिले, और जितने भी माइनॉरिटीज से रिलेटेड स्कीम्स हो वो सारे स्कीम्स पब्लिक तक, जन जन तक पहुंचाने में हम समर्थ हो पाए। इसीलिए ये जो है माइनॉरिटी कमीशन जो है बनाया गया है। और इसमें लद्दाख जो है, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन ही पूरे के पूरे माइनॉरिटी है, आपको पता है। माइनॉरिटी कमीशन में हमारे 6 मेंबर होते हैं, जिसमें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और जैन और पारसी, ये हो गया हमारे इंडिया में, पूरे भारत में जो है 6 रिलीजन माइनॉरिटीज है। लेकिन मैं मानती हूं हम माइनॉरिटी सोच के हम अपने आप को अलग ना समझे। माइनॉरिटीज के साथ साथ जब तक हम सातवें मेजोरिटी के साथ मिलके नहीं चलेंगे, तब तक ये मुट्ठी मजबूत नहीं होंगे। इसलिए मैं लोगों से यही इल्तिजा करना चाहूंगी कि हम पूरे भारतवर्ष जो है, भारतवासी जो है, मिलके जो एकता के साथ फिर डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़े। और आज का आपका सवाल है कि आज यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट करने का मकसद, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन का पद ग्रहण करने के बाद मेरा जो है मन था कि मैं सबसे पहले अपने पेरेंट स्टेट, अपने अपने स्टेट में विजिट करूं। और इसके लिए मैंने कल परसों पहुंचते ही सबसे पहले मैंने लेह में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के हेड के साथ मैंने उनसे रिव्यू ली, उनके जो दिल के बात है वो समझने की कोशिश की। और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे आज मैं यहाँ पे कारगिल में आई हूँ, क्योंकि ले यूटी लद्दाख में हमारे 2 ही डिस्ट्रिक्ट है। मैं चाहती हूँ कि मैं दोनों डिस्ट्रिक्ट को साथ लेकर चलूँ, क्योंकि वैसे तो मेरा है जो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी का सीट मुझे मिला है, लेकिन मेरा कोशिश हमेशा ये रहेगा कि मैं सारे माइनॉरिटीज को साथ लेके चलूं और सबके जो प्रॉब्लम्स को सुनूं, सबके लिए मैं स्कीम्स हो या जो भी बेनिफिट्स हो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में करूं। इसीलिए आज मैं यहाँ पर आके, क्योंकि कल संडे है, इसीलिए आज मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिव्यू लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल में, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कारगिल में माइनॉरिटी रिलेटेड क्या क्या स्कीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कमियां हैं, आगे क्या क्या करने की जरूरत है, ये सारे फीडबैक मैंने लिया, ताकि आगे चलकर मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब मैं मीटिंग करूं तो उनके सामने डिस्ट्रिक्ट दोनों के प्रॉब्लम्स को मैं उनके सामने रख सकूं, और यूटी लेवल के लोगों से सुन के ताकि मैं मिनिस्ट्री लेवल तक हमारे यूटी लद्दाख के प्रॉब्लम को लेकर उनसे एड्रेस कर सकूं। मेरा मकसद यही था। एम्पावरमेंट तो मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे किस एरिया में भी जाओ, विमेन जो है 50% पॉपुलेशन है। 50% पॉपुलेशन को साथ साथ जब तक 100% पॉपुलेशन के डेवलपमेंट नहीं होंगे, हम उस देश को, हम उस एरिया को, हम उस डिस्ट्रिक्ट को डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए वुमेन को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। तो मेरा तो प्रथम दायित्व बनता है बीइंग ए वुमेन, वुमेन रिलेटेड जितने भी स्कीम्स है वो सारे लागू हो, जिस हिसाब से मैंने रिक्वेस्ट किया है एडमिनिस्ट्रेशन से, मैंने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जितने भी स्कीम्स है
वो सारी स्कीम्स ऑल ओवर इंडिया में जितने लागू हो रहा है वो सब के सब 100% हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे यूटी में लागू हो, क्योंकि वुमेन रिलेटेड बहुत सारे स्कीम्स, जैसे बच्चे हमारे पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स है, जो फाइनेंशियली वीक हो वो आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स है। वो सारे अगर हम उनका बेनिफिट बच्चों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो कोई फायदा नहीं है स्कीम्स होते हुए भी। उसी प्रकार जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनसे स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स बहुत ज्यादा है, वो तो हम चाहते हैं कि एक एक वुमेन तक उनके स्किल को डेवलप करके वो खुद कमाने लायक बने, ताकि हर घर में फायदा पहुंचे, हर एक व्यक्ति को फायदा पहुंचे। तो मेरा मकसद यही रहेगा। इसके अलावा वुमेन्स को जो जितने सारे, जैसे हमारे लद्दाख में बदकिस्मती से अभी तक वुमेन्स को जो है डिसीजन मेकिंग में काफी हम पीछे है, उसमें भी जहां तक हो सके कोशिश करूंगी कि बाकी स्टेट्स के तरह ही हमारे यूटी लद्दाख के महिलाओं को भी वो स्टेटस मिले। अगर वो इलेक्शन में खड़े होके अगर उनको जीत हासिल नहीं होते हैं तो वुमेन के लिए वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन का प्रबंध है हमारे यहाँ पे, तो क्यों ना हमारे यहाँ भी वो सब लागू हो। तो कोशिश यही रहेगा कि हर फील्ड में महिलाएं हमारे बेटों के साथ, बेटियां भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, यही मेरा कोशिश रहेगा।